अलीगंज से निकलने वाले जो गंदी वाली मुझे नींद आ रही है ना, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों नींद आ रही है, बट बहुत तेज से नींद आ रही है। अभी एक दो चाय मारूंगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और आज भैया, आज 31 मार्च 2020 आज तुम्हारे भाई का जन्म है, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। यस, अब देखो भैया, घर पे हूँ, गांव में हूँ, तो ऐसा कुछ अपना हैप्पी बर्थडे वाला सीन है नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ है, बस तिलक लगा दिया मैंने, बाकी का बहुत मस्त है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये नई बाइक ली थी यार, अराउंड 1.5 महीना हो गया, बट इसका जो नंबर प्लेट है और इसका जो RC है वो चीज़ें नहीं आई थी। सो आज मैं लेने जा रहा हूँ, इसकी RC लूँगा जाकर के एजेंसी से, और इसकी नंबर प्लेट भी उठानी है, क्योंकि ये वाली बाइक, यस, अपडेटेड बाइक, जो अपडेटेड क्या है, वो सेम कंपनी, ये सेम ही मॉडल, सारी चीज़ें, बस BS6 है। सो इसको मैं लेकर के जाऊँगा आज ही ट्रैवल करूँ ना, आज या मे बी कल मॉर्निंग में, लेट्स सी। 3 hours later आफ्टर नंबर प्लेट एंड RC, लेट्स डू सम शॉपिंग। शॉपिंग क्या, कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे बहुत छोटा सेक्शन है। Meanwhile, पर कब आ जाए वो तो बेटा, ये वाली लस्सी तो पीनी पड़ेगी, मस्त एकदम। 6.5 hours later हाँ जी भैया, सो इट्स बीन 9:20 एंड यस, मतलब फर्रुखाबाद गया था मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, गया था, कुछ सामान लिया था, कुछ शर्ट्स वगैरह ली थी, तो बस थोड़ी बड़ी शॉपिंग की थी, और अपना जो RC और वो सारी चीज़ें ले ली हैं, और अभी निकलने का टाइम हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूँ 9:45 निकलने का, बाकी कल रास्ते में चलते हैं। और आज की राइड में भाई साहब मज़ा आने वाला है, पूरी रात की राइड होगी, गूगल मैप के हिसाब से मैं पहुँचूँगा 3 बजे, लेट्स सी कितना टाइम में हम पहुँचते हैं। एंड यस, आई एम ऑल सेट। और हाँ, इस बार बाइक दूसरी है, बाइक नई वाली है बेसिकली, बट कंपनी मॉडल सेम है, सो या कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऑल सेट टू गो, यस लेट्स गो। या ये अपनी नंबर प्लेट नहीं जॉर्ज, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स 9:50 PM एंड मैं घर से निकल चुका हूँ, और मुझे मतलब बेसिकली निकली हुई 6.5 किलोमीटर हो चुके हैं, 6.6 किलोमीटर हो चुके हैं, और ये नई वाली बाइक है भाई साहब, लेकिन मज़ा आ रहा है यार आज की राइड पर है, वो फुल मोटो ब्लॉगिंग वाली आ रही है, जैसे वो होते ना, जैसे मुंबई का निखिल हो गए, MS के ब्लॉग्स हो गए, तो ये जो मोटर ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो उस टाइप की, मतलब मस्त एकदम जैकेट वैकेट पहनी भाई साहब रात को, और ग्लव्स वगैरह लेकर के बढ़िया आराम से निकले हुए बाइक लेके राइड पे, मजे अलग ही मजा है। हाँ, अभी चलो, अभी मुझे रेस देने दो भाई साहब, मेरी सुई जो आ गई है 10 पे, चलो। इट्स 11:30 एंड यस, मैं पहुंच गया हूँ एटा पहुंचा हूँ जस्ट अभी यार, 11:30 हो गया है, लेकिन भाई सब का पता क्या हुआ, अलीगंज से निकलने वाले जो गंदी वाली मुझे नींद आ रही है ना, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों नींद आ रही है, बट बहुत तेज़ से नींद आ रही है। अभी एक दो चाय मारूंगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, चाय मारूंगा, थोड़ा सा अच्छा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद में निकलूंगा भाई साहब, मुझे पता है मैं कैसे ईटा पहुँचाऊँ, बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, और यहाँ पर होटल मिल नहीं रहे हैं जो कि रेस्ट कर लूँ। हाँ, मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं होटल लेने के लिए भी रेडी हूँ कि भाई सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, इट्स 4:28 इन द मॉर्निंग एंड यस, आई टोल्ड यू लाइक आई विल स्टे हियर टिल 3 AM, बट आई डोंट नो यार, मैं सो गया, भैया ने अभी आगरे उठाया, बोले इज लाइक कि भैया 4:30 बजे उठ जाओ, अभी निकलने का टाइम हो गया, 4:30 बज गए, तो अभी हम निकलेंगे, सारा सामान पैक कर लिया मैंने, आई एम रेडी एंड आई एम इनफ फ्रेश, बट हाँ अभी चल के चाय और मिलेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। सो या ग्लव्स ले लिए एंड यस, बाय बाय रूम, आई सी यू, एंड लाइक आई डोंट नो व्हेन आई विल सी यू, बिकॉज दिस इज माय एरिया ओनली, सो आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना सी यू। लुक एट हाउ दिस पार्क आवर बाइक्स, लाइक यू जस्ट लॉक योर बाइक एंड दे विल पुट द चेन थ्रू द व्हील। थैंक यू भैया, चलो जी निकलते हैं अभी। ये रहा अपना बस अड्डा, ये एटा बस अड्डा है, ये आपका मेन हाईवे एंड दिस रोड विल गो टू टूंडला एंड आगरा। सो ये एनीवे, सो इट्स 4:40 AM इन द मॉर्निंग एंड इट्स एग्जैक्टली 4:40 एंड यस, अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी आई एम लाइक प्रेटी फ्रेश, और थोड़ा और ज़्यादा फ्रेश हो जाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने चाय पी ली तो और अच्छे से ज़्यादा मैं फ्रेश हो चुका हूँ,
तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा अभी मैं कहाँ रुकूँगा, अलीगढ़, अलीगढ़ के आगे शायद मैं गवाना टोल पे रुकूँगा, उससे पहले नहीं रुकने वाला हूँ। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड टाइम हो गया है कितना, 5:47। यस एंड आई एम समवेयर बिटवीन सिकंदराव एंड अलीगढ़। भाई भाई जी ठंड में लग गई यार, पता नहीं, पता है साला अप्रैल का महीना आ गया, 1 अप्रैल हो गई एंड अभी भी ठंड हो रही है। आई मीन सीरियसली ब्रो, सुबह सुबह मैं कहाँ पर आऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमाचल में आ गया हूँ। बट कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद, 2 घंटे रुको, 2 घंटे जो आंधी चलेगी ना, गरम गरम हवा भाई साहब दिमाग खराब कर देती है साला। रात को ठंडी हवा, सुबह को गर्म हवा, पर क्या चल रहा है दुनिया में और क्यों चल रहा है। और लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, ये किधर गया, ये हो रहा सनराइज। चलो अभी चलते हैं, आंखों में फिर से नींद आ गई। गुड मॉर्निंग, यस इट्स 7 o'clock। बस अभी रुके हैं, थोड़ी सी चाय पियेंगे और पराठे खाएंगे, क्योंकि भाई साहब थोड़ी सी भूख लगी है और चाय पीना जरूरी है क्योंकि दोबारा से नींद आने लगी है। नहीं, नींद नहीं आ रही बेसिकली, पता क्या है अभी ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, सुबह सुबह जो सर्दी होती ना हाईवे पे, उसकी वजह से जैसे यहाँ से जो हेलमेट खुला होता है, यहाँ से जब हवा अंदर जाती है ना तो आँखों में दर्द करने लगता है। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और रेस्ट लेने का एंड फिर चलेंगे। एंड बाइक इज परफॉर्मिंग फाइन, इधर रही बाइक अपनी, ये रही। एंड यस अभी पराठा आएगा, पराठा खाएंगे फिर चलेंगे बड़े आराम, नहीं चलेंगे नहीं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद में चलेंगे। चाय बन करके आ गई है, ये देखो जी, ये होटल वही वाला होटल है जिसमें मैं लास्ट टाइम रुका था, लास्ट टाइम जब मैं नोएडा जा रहा था बाइक लेकर के तब रुका था। और यहाँ की चाय भाई बहुत मस्त है, जीप जला ली ठीक है। और इसके अलावा पराठा खाऊंगा क्योंकि भूख लग रही है। रेस्ट इज इट विल टेक मोर अबाउट 1.5 आवर, आई थिंक 8:30 बजे मैक्सिमम 9 बजे तक मैं रूम पे पहुंच जाऊँगा। और बेसिकली समझ लो 9:30 बजे, 9:45 बजे मैं निकला था और 9 बजे मैं रूम पे पहुंच जाऊँ। वाओ व्हाट अ आयरनी, मैं नहीं पिछला वाला भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था। हाँ बाय द वे, पिछली बार जब मैं बाइक लेकर गया था नोएडा तब भी इसी ढाबे पर रुका था और इस बार भी इसी ढाबे पर रुका, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स 7:50 भाई साहब, लगभग 1 घंटे का अपना ब्रेक हो गया है और 1 घंटे के ब्रेक बाद में हम निकलते हैं फिर से। अब ब्रेक क्या यार, ब्रेक 1 घंटे का नहीं होता एक्चुअली। मैंने जब आलू पराठा ऑर्डर किया तो ये भाई साहब थोड़ा मतलब टाइम लगा दिए बनाने में, बोले भैया अभी बना रहा हूँ आटा वगैरह गूंदा, तो उस चक्कर में टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आलू पराठा कर लिया। चाय अच्छी थी बट आलू पराठा ऐसा कुछ खास नहीं था, सो बट जो भी है चलो निकलते हैं, लेट्स गो। बूम, One eternity later. हाँ जी सर, समय हो गया है, देखो कितना 9:30 बज गए, नौ बज गए हैं। और मैं सुबह पहुंचा था आई थिंक कितना 10:30 बजे तक पहुंच गया था, बट हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी और उसमें ख़राब हो गई थी कि मैं आया नहाया सो गया फ्लैट। और शाम को 6 बजे जब उठता हूँ तो मेरे पास एक कॉल आता है एंड ही इज़ लाइक कि भैया मैं नोएडा सेक्टर 112 से आया हूँ और परी चौक पर खड़ा हूँ, आपका केक आया है ठीक है। उसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि उसकी जो टॉपिंग है वो लाइक पिघल गई, इतनी दूर से आया हूँ तो आई वाज लाइक केक किसने भेजा है आई डोंट नो। सो आई वाज लाइक ठीक है लेके आओ, हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रखा है तो अभी जो है केक काटने का समय आ गया है, देखते हैं जरा केक है किसने भेजा है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेट्स सी। इसके साथ में ग्रीटिंग भी है, लेट मी चेक। आई विश आई हैड द वर्ड्स टू से हाउ मच यू मीन टू मी एंड यू आर अ कंप्लीट पैकेज ऑफ लव हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम रानिया, थैंक यू रानिया फॉर सेंडिंग मी दिस केक एंड सच अ क्यूट ग्रीटिंग, थैंक यू सो मच। हाँ ये सब इग्नोर करो, सारा सामान बिखरा पड़ा है केक खोलते हैं चलो। यार केक काटने का एक सिस्टम गड़बड़ है क्योंकि सारे लौंडे गए हुए हैं घर पे होली में और कोई आया नहीं, केवल शुभम आया है, बस दो लोगों मजा नहीं आया। तो आई थॉट कि यार क्यों ना जो हमारे मैस में जो बंदे काम करते हैं उनको बुलाया, उनके साथ में केक कट किया है। सो यस
अभी हम जो है केक काटेंगे उन लोगों के साथ में, और मजे करेंगे थोड़ा सा, फिर चलेंगे बाहर, चलेंगे पार्टी करने, मतलब पार्टी इन द सेंस कुछ खाने पीने चलेंगे। सो या टू यू हैप्पी बर्थडे टियर द सॉन्ग भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। चक्कू चक्कूला मारने के लिए, चक्कूला मारने के लिए कह रहे हैं। हाँ ये बहुत बड़े हैं, विमल को पूरा खिला दो। रमजान को बड़ा वाला दे, सह पाओगे? अरे मैं खा तो लिया पहले, और खा लो, लाओ खा जा मैं खिलाऊंगा आपको। हाँ जी भैया, तो केक कट हो गया अपना मस्त आराम से, और इन लोगों ने ये पूरा पूरा लगा दिया, तो बस अभी अभी नहा के आया हूँ, अभी जाऊंगा बाहर कुछ खा भी करके आएंगे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, क्या होता है, जैसा भी होगा वो सो आने के बाद हम प्लान करेंगे हम लोग। बट आई हैव टू से सेक्टर 121 नहीं 112 से जितनी दूर से ये केक आया है ना, उतना ही अच्छा केक आया भाई। मतलब आई गेस अभी तक जितने मैंने केक खाए उनमें से वन ऑफ द बेस्ट केक था, और ये बात शुभम भी कहता है, बाकी सब कह रहे थे भाई वन ऑफ द बेस्ट केक है। सो यस, थैंक यू सो मच रानिया फॉर सेंडिंग मी दिस केक। इतना बचा है, सारा का सारा खा लिया। अभी वो सुम ने रखा हुआ, बोला यार इसको ना नीचे जो है वर्कर को दे देंगे जाके, वो खा लेगा, एक छोटू रह गया था वो उसने खाया नहीं है। सो यस, तो चलो जी अभी निकलते हैं नोएडा के लिए, कुछ खा के आते हैं क्योंकि टाइम है 9:30 बज गए, भूख लग रही है बहुत गंदी वाली। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, केवल वही एक पराठा खाया था जो मैंने रास्ते में रखा, तब से मैं सो ही रहा था। सो यस लेट्स गो। ये देखो ऐसा सिस्टम है, हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी और भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। सो खाना खाएंगे और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बर्थडे ब्लॉग। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई डोंट नो कितना कंटेंट मैंने शूट किया, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैं गया हुआ था फरुखाबाद अपनी नंबर प्लेट लगवाने के लिए, और वहाँ से लेकर के अभी तक का ये ब्लॉग शुरू हुआ, मतलब कल मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था और आज इवनिंग में जाकर ये ख़त्म हुआ। सो जैसा भी है जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आज एन्जॉयड इट, एंड इफ यू एन्जॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, 1000 होने वाले हैं यार, कितने 20-25 बच्चे हैं 1000 होने में, करवा दो 1000 फटाफट से, मज़ा आ जाएगा एक नंबर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं कब आएगा, मतलब कब नहीं आएगा, अभी कंसिस्टेंसी बरतनी है, ठीक है। अभी तक जो भी चल रहा था वो चल रहा था, बट अभी कंसिस्टेंट रहूँगा, ठीक है। सो यस यार, कर दियो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चलो बाय, पीस, खाने दो। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs. घर पे मैंने बोला है कि हाँ मैं गवाना टोल पहुंच गया, गवाना टोल से बेसिकली आगे पहुंच गया, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मुझे नींद आया, अगर उनको अगर पता लग गया तो बेटा अगली बार से आने भी नहीं देगी। चल लेट्स गो।